हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने काम छोड़ हड़ताल की, जिसमें सफाई कर्मचारियों के साथ दफ्तर के कर्मचारी तथा अग्निशमन के कर्मचारी, माली, बेलदार सभी कर्मचारी हड़ताल पर मौजूद रहे। हड़ताल का आज दूसरा दिन था। यह हड़ताल लगातार 3 दिन चलेगी। आज हमारा नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर दूसरे दिन का काम छोड़ हड़ताल का प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई थी कि दुकानदार भाइयों को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, इसलिए हमारा ये समझौता हुआ है कि हम इनका जो ग्राहक आने जाने का रास्ता छोड़ के और उसके बजाय भी थोड़ा और फालतू रास्ता छोड़ देंगे ताकि किसी को दुकान पर आने जाने में दिक्कत ना हो। रही बात हमारी हड़ताल की, जो हमारा 29 मई को केंद्रीय कमेटी का जो फैसला मुख्यमंत्री कार्यालय पर हुआ था, वो आज तक तो सरकार ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया। जब तक हमारी मांगों के नोटिफिकेशन नहीं भेजे जाएंगे, नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमारा आज दूसरे दिन का प्रोग्राम है। शायद ये प्रोग्राम लंबा भी चल सकता है, जैसे भी हमारे राज्य कार्यकारिणी कमेटी के आदेश होंगे उसके आधार पर ही हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। अगर खत्म करने के आदेश होंगे तो हम खत्म कर सकते हैं। कर्मचारी संघ के कर्मियों की जो हड़ताल है उसका समर्थन करते हैं, और जो सरकार को हम कहीं किसी तरह का कोई कुर्सी नहीं मांग रहे सरकार से, हम सिर्फ ये बीजेपी को, ये जो चुनाव में इन्होंने वायदा किया था कि हम बेरोजगार को रोजगार देंगे, सरकारी विभागों में जो खाली पद पड़े हैं उनको भरेंगे, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, और जो आज ये इस तरह का माहौल बनाएगा ना तो बेरोजगारों के लिए रोजगार है। सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर खाली पद पड़े हैं, अप्रेंटिस के रोजगार पैदा कर दिए, सक्षम के रोजगार पैदा कर दिए, क्या उनको दो दो महीने रोजगार देगा, तीसरे महीने का पता नहीं कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो समझौता, ये जो हड़ताल की बात है इनकी, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इनके साथ समझौता हुआ था सरकार का देखो कितना बड़ा कैसा चरित्र है कि एक बार तो मांगे मनवाने के लिए हड़ताल करनी पड़ती है या रैली करनी पड़ती है, फिर जो समझौता हुआ उसको लागू करवाने के लिए भी कहीं ना कहीं रैली हड़ताल करनी पड़ती है। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि सरकार जो वायदे इन्होंने किए थे उसको पूरा करे। आज महंगाई की मार लोगों के ऊपर है, रोजगार किसी के पास नहीं है, तो और जो सरकारी विभागों का जो आज जिस बड़ी तेजी से चाहे हुआ, बिजली है, शिक्षा है, रोडवेज है, स्वास्थ्य है, मंडी बोर्ड है, वन विभाग है, किसी का भी देखे हम लगभग सबका निजीकरण कर दिया। दुकानदार भी आए थे, उनकी क्या समस्या? दुकानदार तो जो हम आए थे, हमने कह दिया कि हमारी लड़ाई सरकार से आपके साथ कोई नहीं है, हम तो आप जिस तरह जो रास्ता चाहेंगे वो रास्ता देंगे और आपको, और जो रास्ता जो सुझाव उन्होंने दिया हमने मान लिया। मेरा नाम तेजपाल, जिला सचिव, एस के।